Welcome back, dear students. In this video, we are going to revise differentiation chapter. Derivative जो chapter है वो हम लोग derivative chapter के जो basic questions है, okay? It is from the 11th science or maybe from the 11th commerce. Derivative के जो भी basic questions है that we are going to revise in this video. So, here we have a question जिसमें हमको differentiate करना है with respect to x. Differentiation it is with respect to x, okay? Y is equal to x raised to 4 by 3 plus e raised to x minus sin x it is. अब इसको differentiate करना है. So, हमको क्या लिखेंगे? Differentiating. सबसे पहले तो first line हमारा question ही होता है, okay? इसमें then after we'll write differentiating with respect to x. It is differentiating with respect to x. So हो जाएगा y का क्या हो जाएगा हमारा dy by dx. Y can be written as it is dy by dx. It is equal to ये जो x raised to 4 by 3 है इसमें we are going to apply this formula. इसमें हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ. इसमें वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एक्स रेस टू एन. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू इट इज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन. फॉर्मूला क्या है हमारा? एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन. सो अकॉर्डिंग टू दिस जो x raised to n है that means n के प्लेस पे क्या आएगा? 4 by 3. At the place of n what we have? 4 by 3 है हमारे पास. तो ये हो जाएगा 4 by 3 into x raised to 4 by 3 minus 1. So 4 by 3 minus 1 आप करोगे तो आएगा 1 by 3. So ये हो गया 1 by 3 n plus e raised to x का derivative e raised to x ही होता है. तो simply we'll write that only e raised to x minus sin x का derivative है cos x. sin x का derivative is cos x. So हमारा जो final answer होगा मतलब the derivative of the given function is 4 by 3 into x raised to 1 by 3 n plus e raised to x minus cos x. ये हमारा डेरिवेटिव का वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शन. दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग फ्रॉम द डिफरेंशिएशन चैप्टर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो यहाँ पे इट इज फंक्शन को कोई नेम असाइन नहीं किया हुआ है. तो जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बेसिकली उस फंक्शन को एक नेम असाइन कर लेंगे विच इज y. सो ये हो जाएगा हमारा कुछ y. ये एज्यूम करेंगे लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस a रेज टू x माइनस log x. अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. सो इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू, सो फर्स्ट वी विल राइट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये जो फंक्शन गिवन है हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे. सो वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x n प्लस a रेस टू x का डेरिवेटिव इज a रेस टू x इनटू log a दस n माइनस log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. अब इसके आगे हम लोग इसको प्रोसीड नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे इसको. यही हमारा फाइनल आंसर है. दैट मीन्स अगर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया
जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हो गया उसमें। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया है कि विदाउट द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव यू कैन नॉट सॉल्व एनी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। ओके, बिना डेरिवेटिव के फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे डेरिवेटिव के। सो यू नीड टू लर्न ऑल द फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलेज जो रिक्वायर्ड फॉर्मूलेज है वो लर्न करने पड़ेंगे। देखो इसमें हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे यू इंटू वी का फॉर्मूला लगने वाला है। वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन इन दिस। इसमें हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। सो इट इज, देखो इसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी। चलिए डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं हम लोग। सो डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी, यू इंटू वी का डेरिवेटिव इट इज इक्वल टू यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू डिवाइड बाय डी एक्स। ये हमारा यू इंटू वी के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। ये जो यू इंटू वी के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले। तो हमारा क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू थ्री इंटू लॉग एक्स। सो नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट। So differentiating with respect to x, हम इसको differentiate करेंगे तो y का derivative हो जाएगा dy by dx। और right side में जो चीज आपको दिख रही है दो x cube and log x, इसमें u into v का formula apply करेंगे हम लोग। So u into v का जो formula है इसमें होता है कि एट ए टाइम एक को डिफरेंशिएट करना और दूसरे को होल्ड पे रखना। तो एक्स क्यूब रख लिया मैंने होल्ड पे और मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा, लॉग एक्स को। सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन अपॉन एक्स। ये हमने लिख लिया लॉग एक्स का डेरिवेटिव। देन प्लस साइन, अब हम लिखेंगे लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है थ्री एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें एक स्टेप और ऐड होगा। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है एंड डिवाइड बाय एक्स है तो ये कैंसिल होगा। तो कैंसिल करने के बाद वी हैव एक्स स्क्वायर का टर्म। सो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर का टर्म प्लस दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। 3x square into log x it is। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो log x और 3x square एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो x है वो इस x square के साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है बिकॉज दिस फंक्शन इज इंक्लूसिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब पहले इस x पे लॉगरिथमिक फंक्शन ऑपरेट करेगा और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे फिलहाल तो लॉग एक्स का वैल्यू नहीं मिलने वाला हमको, वही रखेंगे हम लोग। ठीक है, सो लॉग एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये एक्स एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है। अब आप नोटिस करो तो यू कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन। एक्स स्क्वायर दोनों टर्म में, फर्स्ट वाले टर्म में भी है एंड सेकंड वाले टर्म में। सो व्हेन वी टेकिंग द एक्स स्क्वायर कॉमन इट इज वन प्लस थ्री लॉग एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस थ्री लॉग एक्स इट इज। आई होप इट इज क्लियर। इसमें हमने यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया। व्हाट वी हैव डन इन दिस, u इंटू वी का फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल कंसिडर क्वेश्चन जिसके अंदर अगेन हमको u इंटू वी का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। सो हियर इट इज u एंड दिस इज v।
सो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो वाई का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स प्लस, अब हमने किसको डिफरेंशिएट किया था यहाँ पे साइन एक्स को, अब साइन एक्स को होल्ड पे रखेंगे और अब किसकी बारी है डिफरेंशिएट होने की, तो अब एक्स की बारी है, तो जब आप एक्स को डिफरेंशिएट करो तो उसके वैल्यू वन आएगा, तो वन इंटू साइन एक्स, सो इट इज ऑल टूगेदर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वन इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स, सो यहाँ पे एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव वैल्यू हो गया। ये भी यू इंटू वी वाला इक्वेशन था, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज यू अपॉन वी। अब ये जो फॉर्मेट के क्वेश्चन है इसमें हम लोग यू अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यू अपॉन वी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी, डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर में इट इज वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, दैट मीन्स डी यू बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस u into derivative of v, अब ये जो फॉर्मूला है u upon v का we are going to apply here, so सबसे पहले तो हमको यही लिखना है equation में differentiating with respect to x, okay, so जब हम differentiate कर लेंगे लिख ही लेते हैं यहाँ पे, so differentiating with respect टू एक्स, हम लोग क्या कर रहे हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एल एच एस में वाई है तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इट इज इक्वल टू, अब राइट साइड जो है इसका, अब सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को हम निपटाएंगे, ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर आपका एक्स स्क्वायर माइनस फाइव और उसका ही स्क्वायर कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर है। नाउ ऑन द न्यूमरेटर साइड वी का वैल्यू क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है, देखिए न्यूमरेटर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को डिफरेंशिएट करके लिखना है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स और थ्री आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव है जीरो, देन माइनस साइन और यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, यू मतलब न्यूमरेटर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो गया और ये जो माइनस फाइव है फाइव कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, दैट मीन्स देखो अभी ये जो सेकंड सेकंड ब्रैकेट है दोनों टर्म के पास
ये 2x प्लस 0 2x होता है, दिस 2x प्लस 0 इज 2x ओनली, एंड ये 2x माइनस 0 इज 2x ही होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया आपका 2x रेज टू 3 माइनस 2x इंटू 10 हो जाएगा 5x, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x³, फिर माइनस 2x इंटू 3 हो जाएगा 6x, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 और उसका है होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में देखोगे तो ये 2x³ 2x³ कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर में ये प्लस 2x³ है एंड दिस इज माइनस 2x³, ये कैंसिल आउट हो गया। सो माइनस 10x माइनस 6x, ये हो जाएगा माइनस 16x, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 और इसका होगा होल स्क्वायर, इसका होगा होल स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया हमारा एक क्वेश्चन। तो इसमें हमको डेरिवेटिव, जो फाइनल वैल्यू डेरिवेटिव का मिला है वो है माइनस 16x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 और उसका होल स्क्वायर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप अगेन, इसमें भी हम लोग यू अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो यू अपॉन वी के फॉर्मूले के हिसाब से, अभी देखो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा लेफ्ट में, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वाई इट इज इक्वल टू, राइट साइड में यू अपॉन वी है, तो यू अपॉन वी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला जस्ट हमने देखा अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गए, एंड ऑन द न्यूमरेटर साइड स्टार्ट होता है डिनोमिनेटर से, तो एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू को डिफरेंशिएट करके लिखा जाएगा। सो न्यूमरेटर में आप देखो क्या दिया हुआ है हमको, न्यूमरेटर में है हमारे पास एक्स रेस टू 5 प्लस 3, सो एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव ये होता है 5x, एंड प्लस 3x का डेरिवेटिव, 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, सो ये हो गया 5x प्लस 3, देन माइनस साइन, और अब रखेंगे हम लोग न्यूमरेटर को और डिफरेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर को, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इट इज इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर इंटू 5x हो गया 5 एक्स रेस टू 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस साइन की वजह से इनके भी साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x³ एंड माइनस 6x² डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स रेस टू 4 आता है। अब न्यूमरेटर में देखो कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट वाला टर्म है 5x³ माइनस 2x³ पे 5x³ माइनस 2x³, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी वैल्यूज और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 3x³, एंड देन जो रिमेनिंग टर्म है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3x² माइनस 6
ये हो जाएगा माइनस 3x² डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4, इट इज डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 हो गया। अभी इसमें देखा जाए तो 3x² हम कॉमन ले सकते हैं, व्हाट वी कैन टेक कॉमन, 3x² कॉमन आ सकता है न्यूमरेटर में से। सो ये हो गया 3x² कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स का टर्म और अदर साइड बचेगा 1 सिर्फ, डिवाइड बाय है एक्स रेस टू 4। अब एक्स स्क्वायर और एक्स रेस टू 4 में कैंसिलेशन जब होगा तो नीचे एक्स रेस टू 4 से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 4 मतलब 4 टाइम था यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर 2 टाइम, तो 2 टाइम कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2 टाइम ही बच गया। सो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर बचा एंड न्यूमरेटर में बच गया हमारे पास 3 × x - 1, ये हमारा डिफरेंशिएशन वैल्यू है फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, एक्स रेस टू 5 + 3x / x² का डेरिवेटिव वैल्यू इज 3 × x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इट इज। सो टेक केयर एवरीवन, दैट्स इट फॉर दिस इन दिस वीडियो।